तो एक्चुअली मैं अभी बहुत ज़्यादा धूप आ रहा था, बट नाउ चेक आउट द व्यू। तो इफ यू आर कमिंग विद अ फैमिली, फ्रेंड, सोलो, कुछ भी, तो एक बार ट्राई करो यहाँ। वो तो ठीक है, ज़रा इधर भी देखा जाए, ये ना भाई हमें खींच लेके आता है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, अब तुम्हारा सांस ही फूल रहा है और कुछ देख सकते हो, रास्ता कुछ ऐसा है। सो हे, स्वागत आपको फिर से इस ब्रांड न्यू वीडियो में, और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। एंड लेट मी शो यू द मॉर्निंग व्यू। भाई पूरा फॉग, क्या ही है भाई। और इनफैक्ट अभी का जो वेदर है वो कुछ ज़्यादा ही बारिश की वजह से, मानसून की वजह से फॉग पूरा है। बट यहाँ रुकना नहीं है ब्रो, हमें जाना है बाहर और एक्सप्लोर करना है फिर से। सो लेट्स गो। और भाई हो चुका है हमारा सुबह, जैसे कि वहाँ होटल से हम लोग सोचे थे पहले बाइक लेके निकलेंगे, पर अब फिर सोचा कि नहीं बाइक लेके नहीं निकलते। यहाँ से पास में बगल में एक छोटा सा मोनेस्ट्री है, तो हम लोग ने सोचा भाई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं हम लोग, बड़ासिया लूप जा रहे हैं पहले। हाँ एक्चुअली बड़ासिया लूप जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। पहले सोचा कि चलते हैं भाई बाइक से, फिर सोचे इतना ठंडा है भाई, वार्म अप भी होना है, तो चल दिया वॉकिंग करते करते। और डेविड भाई तो अभी यहीं तक गया, और ये है हमारा वो प्लेस जहाँ हम जा रहे हैं। और सुबह सुबह इतना ज़्यादा भीड़ है यार, हमें लगा हम ही सबसे पहले पहुँच रहे हैं भाई, यहाँ आदमी पहुँचा पड़ा है। हमें लगा जब हम सुबह उठे तो कि भाई हम ही सबसे फर्स्ट हो गए, पर जब बाहर निकल के पता चलता है कि भाई लोग यहाँ ऑलरेडी पहुँचे हुए, पहुँचा हुआ है इस वजह से सनराइज दिखने में पहुँचे हुए हैं लोग। और यहाँ सन का नाम नहीं है यार भाई, फॉग इतना मस्त, इतना ही मस्त, क्या बोले आपको, क्लियर हो गया मस्त। अभी तो लाइक वेदर क्लियर हो गया है, बट वर्थ इट था। सो ये वॉर मेमोरियल, इसका नाम है बटासिया लूप। तो एक्चुअली मैं अभी बहुत ज़्यादा वो धूप आ रहा था, बट नाउ चेक आउट द व्यू। जैसे ही धूप खत्म हुआ ये फॉग फिर से बहने लगा। सो दिस थिंग आई लव अबाउट दार्जिलिंग एवरी टाइम भाई, ये कभी निराश नहीं करता है। या ब्रो, ओहो गोरखा कैब देख रहे हो भाई। तो अभी जॉनी बनने वाला है प्रॉपर पहाड़ी, सबसे पहले गोरखा कैब, सबसे पहले आ गया गोरखा कैब। इधर का लग रहा हूँ ना देख। चले जनाब, चले बस तैयार हो गए हैं भाई। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि हम लोग मॉर्निंग में निकले और बाजू में बटासिया लूप था, तो वहाँ से घूम के आ गए भाई, वॉक ही गए थे। बट अब यहाँ का व्यू देखो यार, अब कोहरा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फिलहाल क्या प्लान है कि अब हम लोग बाइक लेके निकलते हैं, और यहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं। और एक्चुअली जिस जगह में मैं स्टे किया था, जैसे कि मैं पहले ही बताया, मैं स्टे किया था वाइल्ड थ्रिल्स, एंड हियर इज द भैया। थैंक यू सो मच, आप इतनी बार आ चुके हैं, आपका प्यार हमारे लिए मतलब बेशुमार। अरे नहीं नहीं एक्चुअली में ये नया प्रॉपर्टी है, और नीचे जाके मैं फ्रंट साइड दिखाऊंगा। तो इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली, फ्रेंड, सोलो, कुछ भी, तो एक बार ट्राई करो यहाँ और उसके बाद देखना। आओ आराम से, आराम से लंबा लेके जाओ। रुको भाई रुको, उतार रहा हूँ। और अभी का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10 बज के ज़्यादा हो चुका है, तो आई होप ज़्यादा डीले ना हो, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। A few moments later. तो ये है चॉलिंग मॉनेस्ट्री। आजा, डर भी लगता है यार, कब कौन किधर से मार देना। अब तो गर्मी भी लगने वाला है, क्योंकि चढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा ऊपर। म्यूजियम भी है ब्रो यहाँ, म्यूजियम भी है। तो लिटरली उतनी नीचे से
आते आते मेरा हालत खराब हो जाता है यार। एंड दिस इज द मॉनेस्ट्री। इधर नहीं, इधर को देखो। वाओ, कुछ भी बोलो यार, जो आर्किटेक्चर है ना यार, मस्त दिखता है। वो तो ठीक है, जरा इधर भी देखा जाए। ये ना भाई हमें खींच लेके आता है, ये नज़ारे, ये हवा, उसे क्लाउड बोल सकते हैं। ठीक है, क्लाउड नहीं है बट बोल सकते हैं अपन के लैंग्वेज में। कभी कभी सोचता हूँ यार, क्या ही लाइफ है इन पहाड़ी लोगों का। पहाड़ों में घर बसाना, पहाड़ों में रहना, पहाड़ों में रोड। यहाँ पे ना तो कुछ खेती होती है, ना ही कुछ यहाँ का रहता है, हर चीज़ यहाँ बाहर से इम्पोर्ट होता है। अलग ही सीन है यार। और वो वाला नीचे वाला एरिया फॉरेस्ट एरिया है। और एज एक्सपेक्टेड बारिश होना फिर से शुरू हो रहा है। कितने बजे तक बारिश होने वाला है जॉनी? कितने बजे तक? हाँ, 3 बजे तक बारिश दिखाया। 3 बजे तक? अरे यार, क्योंकि हमें वापस उसी साइड जाना है जहाँ से हम कल आए थे, लमाहत्ता। सो अगर बारिश हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत इन द सेंस कि हमारे पास रेनकोट है नहीं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो पता है किस चीज़ का यहाँ इतना जाम लग गया है यार, पूरा रोड में। पर थैंक गॉड कि सबको एक ही साइड खड़ा है, तो इधर से जाने वाले को दिक्कत नहीं है। और क्या से क्या वेदर बन जा रहा है अब तो। ये इतना ज़्यादा फॉग है कि भाई पूरा वाइजर में भी फॉग जम रहा है, बट मज़ा आ रहा है ब्रो। इससे ज़्यादा हुआ ना तो विजिबिलिटी पूरा ज़ीरो हो जाएगा। मज़ा तो यही है। बच्चों को देखो यार, खुशी। हेलो 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 हेलो, ओके। कलिंपोंग तीसरा बाजार लमाहत्ता, 14 किलोमीटर यहाँ से। तो फिलहाल के हम लोग लमाहत्ता जा रहे हैं। वैसे ये वाला नेत्रहाट का रोड जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा, बट अगर लेफ्ट साइड का खाई देखेंगे तो भाई ये दार्जिलिंग है। इंजॉय करो, कुछ ना बोलो। बट एक्चुअली में पता है यार, कुछ जगह कैप्चर नहीं किया जाता है, उसे फील किया जाता है। तो फिलहाल जॉनी का वही हाल है, ये बस मज़ा ले रहा है भाई इस जगह का। मुझे लगता है कि ये दार्जिलिंग हर समय हमेशा ही ब्यूटीफुल रहता है यार। आप गर्मी में आओ अच्छा लगेगा, ठंडा में आओ अच्छा लगेगा, बरसात में आओ तो भाई बरसात का ही मज़ा अलग ही होता है यहाँ। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस यार। और इधर के रोड का तो क्या ही कहना यार। मानता हूँ कहीं कहीं ख़राब हो जाता है रोड, बट मैक्सिमम जगह ना अच्छा रोड मिलता है। ओहो, उधर तो देखो। नहीं, ये मतलब ये जंगल में वो रोड में रहता है। जिंदगी में और क्या ही चाहिए। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भूख नहीं लगता है, मैंने हम नहीं खाते हैं। ऐसा व्यू देख के तो भाई भूख ही मर जाता है, तो आदमी खाएगा क्या, इसी से पेट भर जाता है। वो तो यहाँ से पहुँच गया हम लोग लमाहत्ता, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। भाई यहाँ तो पूरा ट्रैफिक जाम लग चुका है। पीछे करे क्या? पहुँच तो गए थे यहाँ, बट ऐसे जगह फंसे ना अभी। मुझे पीछे खड़ा रहना था बट आगे घुसा दिए यार। मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ ना यार, गाड़ी हिलाने का जगह नहीं है, और हल्का सा बस इतना सा बस जगह से ये लोग निकाल रहा है गाड़ी, क्या ही कहना। तो यहाँ से देख सकते हो यार, ये लमाहत्ता का पेड़ सब बहुत ही मस्त दिख रहा है। और आज तो हम लोग ऊपर भी जाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा समय है। तो एक्चुअली में मैंने रोड में ही पार्क कर दिया था गाड़ी को, और वहाँ पे स्पेशली बाइक का पार्किंग है अंदर में। बट अभी दिक्कत है कि ये लोग हटेगा तब तो भाई गाड़ी घुमाऊँगा यार। सो इट इज़ लाइक दैट। उससे पहले यहाँ का नज़ारा देखो भाई, नेक्स्ट लेवल है यार। बारिश हो रही है और ये
ऊपर का पेड़ सब तो भाई जबरदस्त दिख रहा है, जबरदस्त। ये वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है मेरा दार्जिलिंग में। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि ऊपर में एक छोटा सा लेक भी है जहाँ तक हमें पता है। अंदर बारिश पता नहीं चलता ब्रो, इतना ज़्यादा पेड़ है, लेकिन बहुत ऊपर जाना है ब्रो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, अब तो मेरा सांस ही फूल रहा है। और कुछ देख सकते हो, रास्ता कुछ ऐसा है। और ऊपर शायद ये लास्ट है, इसके बाद पहुंच जाएंगे अपन लोग। जॉनी वहाँ बैठा है, तो शायद लगता है हम लोग पहुँच गए आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट। वे टू सैक्रेड वाटर बॉडी। भाई साहब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है ब्रो। तो भाई ये है यहाँ का लमा हत्ता का सैक्रेड वाटर बॉडी। आगे आओ, आगे देखते हैं। सो दिस प्लेस इज हेवन। और अभी भाई पूरा फॉग और आ रहा है। जिंदगी में क्या चाहिए यार, ये नहीं किया तो क्या ही किया। हैरी पॉटर वाला जगह। शहर पहुंचे कि नहीं पहुंचे यार, इधर पूरा का पूरा जाम है, तो ये सब दिक्कत हो जाता है यार पीक वाले सीजन में। तो भाई यहाँ पार्किंग खोजना ना अलग प्रॉब्लम है। फाइनली ये तो भैया हम आ चुके हैं मॉल रोड, और यहाँ के चहल पहल का तो ज़्यादा ही है। और फिर से पता नहीं बारिश कितना देर आया यार, देता है फिर रुकता है, देता है फिर रुकता है यार।